साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज चैत्र नवरात्रि का पांचवा दिन है। नवरात्रि देवी माँ दुर्गा की पूजा आराधना का पर्व है। नवरात्रि पर पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की विशेष पूजा अर्चना होती है। आज नवरात्र के पांचवे दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामय रूप माना जाता है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से बुद्धि की विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति अगर नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता का व्रत रखें और पूजा अर्चना करें तो माँ स्कंद माता जल्द ही उनकी गोद भर देती हैं। वहीं इस खास पर्व को लेकर सभी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी भक्त माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए हैं। इसके चलते मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। बता दें, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्र को देखते हुए मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। भक्त सुबह से ही माता की पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। और हमारे संवाददाता कानपुर से उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, चैत्र नवरात्र का आज पांचवा दिन है और पंचमी का कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्व माना जाता है। आप मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें? जी, मेरे लगभग कानपुर के जिस पंचमी का विशेष मंदिर में खड़े हुए हैं, आज देखा तो माता के अलग अलग 9 दिन के अलग अलग रूप होते हैं और आज रूप है वो स्कंद माता का रूप में। आज उनका जो स्वरूप है उनका आज रूप है जो भक्तों को दर्शन देती है वो स्कंद माता के रूप में दर्शन देती है। इस पर अगर देखा जाए तो माता को अगर देखा है तो आज केले का भोग लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जिस मंदिर पर आज खड़े हुए हैं, इस मंदिर का इतिहास ये है कि जो माँ सीता माता जो है अपने दोनों बच्चे लव कुश जो है उनका मुंडन संस्कार जो है इसी मंदिर पर कराया था। उपेंद्र, आप मंदिर में मौजूद हैं, एक बार तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करें कि भक्त में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, मैं विनय कहना चाहूंगा, दिखाएं किस तरीके से मंदिर में लोगों का जो है आवागमन जो है वो लगातार जारी है। लोग मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पर एक देखा तो आज भी रहस्यमय घटना है कि जो यहाँ की जो 4 मूर्तियां उसमें आज भी किसी की जानकारी नहीं हो पाई की सीता माता की मूर्ति, इस मूर्ति में कौन सी मूर्ति सीता माता की है। उपेंद्र, आपके अगल बगल भक्त नजर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। जी, अभी आपसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो है बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो जुड़ेंगे, बताएंगे किस तरीके से जो पूजा पाठ जो है। क्या नाम है आपका? ऋषभ जी, आज सविश्वरी माता ऋषि करने आए हैं। यहाँ से जो मनोकामना जो है माता की पूरी करनी है, किस आस्था के साथ करने आता हूँ माता के दर्शन हर बार इस मंदिर की विशेषता क्या है आपके अनुसार? भक्त कहना है कि जो भक्त जो उनका जो है उनकी मनोकामनाएं जो है यहाँ पूर्ण होती है। उपेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, मंदिरों में व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? जी, बात अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल जो है साफ चौगंध है, क्योंकि देखा है तो जो महिलाओं की जो लाइन जो पुरुष लाइन उसमें हर तरीके से देखा तो महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल साफ चौगंध है। और उसमें देखा जाए कहीं ना कहीं इस मंदिर में जो है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो भी पूरी जो है अच्छी है, क्योंकि मंदिर प्रशासन का साफ कहना है कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम जो है बिल्कुल सक्रिय है। उपेंद्र, सीएम योगी द्वारा सभी मंदिरों में पहल की गई है कि सरस्वती पाठ और दुर्गा पाठ किया जाएगा, उसकी व्यवस्था कैसे देखने को मिल रही है मंदिरों में? जी, जो मैं यहाँ के पुजारी उनका साफ कहना है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पूजा पाठ के जो धनराशि दी है वो आस्था साथ दी गई है, उसका यूज है वो पूरी तरीके से यूज मंदिर में हो रहा है इस नवरात्रि पे। ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है और जो यहाँ के पुजारी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। उपेंद्र, और भी भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करें। आपको और भी जो भक्त से बातचीत करते हैं किस तरीके से आप आ रहे हैं? क्या नाम है माता जी आपका? मंदिर जी बताए, आप सरस्वती देवी मंदिर पे आते हैं दर्शन करने आई माता के, यहाँ ये क्या आस्था है? मंदिर की विशेषता क्या है? ये हमारे साथ पंडित जी, पंडित जी क्या है मतलब इस मंदिर की आस्था क्या है? मंदिर तो
माँ सीता माँ ने जो अपने दोनों बच्चों का जो मंडन कराया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जो आज भी इस जो मूर्ति है अभी तक क्लियर हो पाई कि कौन सी मूर्ति सीता माता की है। नहीं है, वो जो आरा है छोटा सा उसी के अंदर विराजमान है माँ सीता माता ने कि यहाँ पे तपस्या किस आधार पे की थी, क्यों की थी और क्या पाने के लिए की थी? भगवान राम ने उनको त्याग कर दिया था, वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया गया था, जो वहाँ विलाप करते रोते हुए हुए वाल्मीकि ने आश्रम दिया उनके, उस समय वो लोग पेट के अंदर थे गर्भ में, वहीं पे पुत्र प्राप्त हुआ, वहाँ उन्हीं के जरिए से यहाँ मुंडन करवाने आई थी, वो अच्छा है यहाँ जब माँ सीता माता जो यहाँ कानपुर स्थित बिठूर में जो आश्रम है सीता की रोटिया के नाम से फेमस है यहाँ पे आए, जब उनको लक्ष्मण जी छोड़ गए थे उसके बाद जो है उन्होंने तपस्या जो है यहाँ पे तीन चार लोगों जो स्त्रियाँ और उनके साथ मिलकर विमला कमला और एक और देवी थी उनके साथ तीन चार लोग मिलकर जो है यहाँ पे तपस्या के बीच भगवान प्रकट हुए थे। उपेंद्र आपके पीछे बेहद ही माता के मंदिर का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को एक बार पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, अपने कैमरा मैन दिखा जाऊँ, देखिए किस तरीके से जो है मंदिर में जो है यहाँ पर नारियल और चुनरी का जो है पूरा जो वो देखे जो भोग जो है माता ही करता है और देखे किस तरीके से भीड़ जो है पूरी मार्केट पे लगी हुई है और पूरा देखे किस तरीके से साफ सुथरा और हर चीज के मामले में अगर देखा है तो जो मंदिर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। जी तो हमारे संवाददाता कानपुर से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे जहां माता की भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। उपेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि आज माता के स्वरूप की स्कंद माता की पूजा की जाती है, ऐसी मान्यता है कि निःसंतान दंपत्ति अगर नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता का व्रत रखें और पूजा अर्चना करें तो माँ स्कंद माता जल्द ही उनकी गोद भर देती है। वहीं इस खास पर्व को लेकर सभी भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, सभी भक्त माता के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए हैं जैसा कि आप तस्वीरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं। मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है जिसके चलते भक्त सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। बता दें नवरात्रि का बेहद ही खास पर्व चल रहा है और हिंदू धर्म में नवरात्र का एक बेहद ही खास महत्व होता है, 9 दिन भक्त माता की पूजा अर्चना कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और माता का विशेष फल प्राप्त करते हैं। मंदिरों में आप देख सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है, चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और कहीं ना कहीं पंचमी का एक बेहद ही खास महत्व माना जाता है। देख सकते हैं तस्वीरों में मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव से जुड़ेंगे। आशुतोष, आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है, आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जिस तरह इस बार नवरात्र की लेकर जो है हर जगह रौनक जो देखने को मिल रही है, मंदिर हो घर हो या जो है रोड हो कोई भी दुकानदार हो हर से की जो है रौनक देखने मिल रही है और श्रद्धा के साथ जो है मंदिरों में लोग दर्शन भी कर रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे भी एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाएं किस तरह लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं और किस तरह की आस्था और लगाव है मंदिर का, और मंदिर में तमाम तरीके जो है पूजा भी हो रही है, नारियल भी चढ़ा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है मंदिरों पर जो है बोला गया है सुंदरकांड करने के लिए, रामायण करने के लिए, वो भी जो है लगातार हर मंदिरों पर भी चल रहा है और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है। हमारे साथ जो है कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे किस तरह की यहाँ पे पूजा चल रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रेगुलर पूजा चल रही है और सुबह और शाम हर दोनों टाइम आरती बहुत दिव्य रूप से यहाँ एक पूर्ण रूप से, और यहाँ इस मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं और पूर्ण रूप से अपनी एक मन्नत मांगते हैं तो 100% उनकी पूरी मान्यता पूरी भी होती है और बहुत दिव्य तरीके से यहाँ के जो महाराज जी है हमारे पीठाधीश्वर श्री दीपक त्रिपाठी जी शास्त्री जी महाराज जी, इनका स्नेह इनका प्यार अपार रूप से हर व्यक्ति पर, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जिस भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए एक अपार स्नेह अपार श्रद्धा और सब लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। सर और क्या रौनक आपको देखने मिल रही है हर जगह, जैसे नवरात्र में जो है मंदिर हो गए घर हो गए या कहीं कार्यक्रम भी होते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इस आपकी इस नवरात्रि में चाहे शासन की बात हो चाहे जिसकी ही बात हो, लेकिन इस बार मंदिर में निश्चित रूप से एक बेहतर तरीके से
हर मंदिर में एक अच्छी व्यवस्था और एक अच्छे एक पूर्ण रूप से पूजा पाठ है और एक नित्य क्रियाकांड चल रही है सर। इस मंदिर में महाराज भी है, उनसे भी बात करेंगे, किस तरह की आज पूजा है, क्या है आज नवरात्र का कौन सा दिन है और किस तरह की पूजा हो रही है, मंदिर क्या नाम से जानी जाती है। देखिए नवरात्र का आज पंचम दिवस है और स्कंद माता का दिन है और इसके साथ साथ यहाँ पर तो नित्य हर नवरात्रि बहुत विशेष रूप से मनाई जाती है और साथ ही साथ और सब चीजों को देख करके संध्या काल में 51 दीपों की महाआरती भी होती है और अष्टमी के दिन में यहाँ पर लगभग 200-250 कन्याओं का पूजन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम किया जाता है वस्त्र दान का, तो लगभग 1000 महिलाओं को वस्त्र माँ के प्रसाद के रूप में दिया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे हर तरह से एक सर्व मनोकामना पूर्णी घंटा भी है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सूत्र बांध करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु माता से विशेष रूप से अरदास लगा सकता है। ये श्री काली, देखिए ये मंदिर श्री काली श्री शीतला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है इसको और सांवरिया मंदिर भी बोलते हैं और यहाँ पर एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था तो इसका उसका जीर्णोद्धार में लगभग 20 वर्ष लग गए और 2007 में मंदिर का जीर्णोद्धार होकर के निवृत्त हुआ। उसके बाद यहाँ पर 75 देवी देवताओं का ये मंदिर है और मुख्य रूप से श्री काली शीतला माता मंदिर है, ये माता जी का नाम मतलब मुख्य रूप से वही है यहाँ के, बाकी सब गौण देवता है। योगी आदित्यनाथ जो है मंदिरों पे जो है कथा के लिए रामायण के लिए भागवत के लिए जो कुछ आदेश आया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए वो तो बहुत अच्छी पहल है। देखिए जब तक हम अपने धर्म के बारे में सनातन संस्कृति के बारे में जानेंगे नहीं और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जब कुछ नहीं पता चलेगा तो आगे चल करके ये सनातन धर्म की जो वृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसको फिर से छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल के हैं 5 साल के उनके अभी ये बनने का समय है, उनको कुछ जानने का समय है सनातन संस्कृति के विषय में विशेष रूप से जानेंगे। तो अब जैसे ये पहल हुई है तो हमेशा ये पहल होती रहेगी और जो लोग हैं जुड़े हुए जो जान रहे हैं वो इससे जुड़ करके भी काम करेंगे। हम लोग तो साथ साथ आचार्यों को लगा करके हम खुद ही करवा रहे हैं इस विषय को, मतलब अपनी तरफ से ही करा रहे हैं ताकि सब जाने और अपने धर्म का विकास हो और सबकी संपुष्टि और संभरण हो। जैसा महाराज जी बताया है यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर रहा और नीम का पेड़ भी रहा, इसके साथ ही जो है आशुतोष और भी श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश करें, उनकी क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर को लेकर? जी बिल्कुल, हम आपको बात करके बताना चाहेंगे क्या इसकी आस्था क्या लगाव है, लोगों से चर्चा भी करते हैं इस मंदिर की आस्था क्या है लगाव क्या है थोड़ा सा जानकारी। मंदिर की आस्था ये है कि बहुत सच्चा दरबार है, यहाँ माता जी विद्यमान है और जो मुरादें होती पूरी होती है, जो भी हम लोग जो है मानता मानते हैं वो हर तरह से पूरी होती है। महिलाएं 9 दिन की व्रत रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं जी, किस तरह की जो है पूजा पाठ करती है, किस तरह की जो है करना चाहिए? हर दिन माता जी का स्थान है उसी हिसाब से हर दिन स्कंद माता कन्या को पूजन होता है, उस हिसाब से जैसे महागौरी है 9 देवियां मानी गई है उसी तरह हर दिन उसी तरह से पूजा होती है और महाआरती होती है शाम को, सारा प्रोग्राम मतलब बहुत व्यवस्थित होता है और महाराज जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है ही है। जैसा इन्होंने बताया है मंदिरों पे हर चीज की लगाव है, आस्था भी है, 9 दिन की पूजा भी की जाती है और कन्या को भी पूजा की जाती है, इसमें साल भर में एक बार जो मौका आता है एक आशीर्वाद मिलता है वो सब लेकर इन्होंने चर्चा किया है। आशुतोष जिस तरह से मंदिरों में भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, मंदिरों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है भक्तों के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जिस तरह मंदिरों की व्यवस्था है बाकी बहुत शांतिपूर्ण लोग दर्शन कर रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार इस तरफ दिखा रहे हैं किस तरह की पूजा पाठ यहाँ पे चल रही है, देखिए और लगातार जो है जब तक नवरात्र है 9 दिन की नवरात्र को लेकर इस तरह की पूजा पाठ चलती रहेगी और लगातार मंदिरों की रौनक भी देखने मिलती रहेगी, वो शांतिपूर्ण और से जो ऊपर से जो भी आगे आए हैं वो काफी मंदिर की रौनक भी बढ़ा दी गई है और पूरे बात करते चले जिस 2-3 साल पहले जो है लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन कोई भी पूजा पाठ नहीं हो पा रही थी लेकिन इस वक्त अच्छे ढंग से बहुत ही धूमधाम से मंदिरों पे भी पूजा पाठ कर रहे हैं और रौनक भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इधर भी आप देख सकते हैं किस तरह की तमाम तरीके जो है देवी देवता है मूर्तियां भी है, लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं और इधर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की पूजा पाठ को लेकर जो है महाराज जी जो अभी घंटी को लेकर बोला है वो घंटी भी बजाई जा रही है, घंटी के साथ साथ जो है लोग अपना शांतिपूर्ण दर्शन कर रहे हैं, यहाँ से दर्शन करने पर जा भी रहे हैं।
जी, तो हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव सुल्तानपुर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां माता रानी की भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त भारी संख्या में मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की विशेष पूजा अर्चना होती है और माता की विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, आज 5वें दिन भी मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त सुबह से ही माता की पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए हैं। हमारी खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।